साथियों, जन सरोकार मंच की ओर से सीधी सच्ची बात कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का अवसर दे रहे हैं जिनको सुनकर के आप अब ये महसूस करेंगे कि वाकई गर्ग साहब को सुनना एक दुर्लभ अनुभव रहा है। गर्ग साहब का मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गर्ग अंग्रेजी के विशेषज्ञ, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ रहे हैं। वर्षों तक आपने महाविद्यालयों के अंदर अंग्रेजी विषय को का अध्यापन कराया है और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्ग साहब बेहद संवेदनशील कवि हैं और इतना ही नहीं, कवि होने के साथ साथ दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास, साहित्य, धर्म और संस्कृति एवं मानव शास्त्र के वे बहुत गंभीर अध्येता है और सिर्फ अध्येता नहीं, ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि अधिकारी विद्वान एवं विचारक है। तो आज हम गर्ग साहब से जिस विषय को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं वह है, जो कहना चाहिए कि एक तरह से मिला जुला विषय है, उसमें हम दर्शन के बारे में भी बात करेंगे, इतिहास से संबंधित जो कुछ सवाल है उन पर भी बातचीत करेंगे, धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए जो ज्वलंत प्रश्न है उन ज्वलंत प्रश्नों के बारे में गर्ग साहब का क्या मानना है, उनकी क्या दृष्टि है, इसे लेकर के भी हम विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे। तो मैं गर्ग साहब से निवेदन करता हूं कि वे वार्ता के अंदर हम सब को अपने विचारों से लाभान्वित करें। और मैं गर्ग साहब से ये जानना चाहूंगा, गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि भारतीय समाज के अंदर आज जो हिंसा की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, इसके ऐसे कौन से ऐतिहासिक कारण आपकी दृष्टि में है जो समय समय के ऊपर हमारे समाज में इस तरह से प्रकट होते रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी हमारी जो चिंतन परंपरा है, उस चिंतन परंपरा के अंदर अहिंसा के ऊपर बहुत बल दिया गया है और बहुत से दार्शनिक, बहुत से विचारक निरंतर अहिंसा की बात करते रहे हैं, महावीर से लेकर के और महात्मा गांधी तक अहिंसा को काफी महत्व देते रहे। इसके बावजूद भी ये जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो हमारे समाज के अंदर बहुत गहरे तक बैठी हुई मुझे प्रतीत होती है। तो आपकी दृष्टि के अंदर इस हिंसा की जो मनोवृत्ति है, इसके कौन से कारण हैं, इनको आप विस्तार से हमारे सामने रखें तो थोड़ा
हमारी समझ विकसित होगी। प्रोफेसर मनु शर्मा साहब, प्रोफेसर प्रीति जैन, सक्सेना साहब, देवेंद्र जोशी जी, सभी का अभिवादन करता हूं, क्योंकि आपने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं भौतिकवाद पर कुछ बोलूं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति से लेकर के, और चाहे कोई प्रोफेसर हो, विद्वान हो, लेखक हो, वैज्ञानिक हो, सभी कहते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है, और अन्य जो जातियां हैं, राष्ट्र हैं, समाज हैं दुनिया में, वो ही लोक में डूबे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, और वो भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद के बारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह लोगों में हैं फैले हुए, और अध्यात्मवाद एक गर्व करने का विषय बन गया है। बहुत सी गलत फहमियां भौतिकवाद के बारे में है कि वो भोग विलास के बाहर निकलता ही नहीं है। बहुत तरह के पूर्वाग्रह, हिकारत की नजर से भौतिकवाद को देखा जाता है, और यहीं नहीं, भारत में ही नहीं, सारे संसार में। जैसे एपिक्यूरस एक ग्रीक मेटेरियलिस्ट फिलोसोफर हुआ है, जिसने अर्थ एयर वाटर फायर चार तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ बताया है, और उसने कहा है कि मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि दुख और सुख तो मिश्रित हैं, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन दुखों से पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं है। बुद्धिमानी इस बात में है कि कम से कम दुखों से अधिक सुख कैसे अर्जित किया जाए। मानसिक शांति के लिए एपिक्यूरस ने बड़ा जोर, लेकिन उसी एपिक्यूरस को भौतिकवादी बताया पश्चिम में ग्रीक लोगों ने, और एपिक्यूरियन शब्द बनाया। एपिक्यूरियन का मतलब हो गया जो जो धन लिप्सा, भोग विलास करता रहे, भ्रष्टाचार यौनाचार करता रहे, असंयमित जीवन जिसका हो, अनैतिक हो, अगम्यागमन करे, व्यभिचार करे, शराबी हो, तो उसको एपिक्यूरियन बताया है। जबकि बेचारा एपिक्यूरियन जो फिलोसोफर था, उसने अनपर्टर्बेबिलिटी को सर्वोच्च गुण बताया है। अनपर्टर्बेबिलिटी यानी सुखों और दुखों से किसी भी तरह प्रभावित न हो सकते और मन को डिस्टर्ब न किया जाए, ये तो क्योंकि ये भौतिकवाद के खिलाफ एक प्रकार की प्रेजुडिस है, जो तो प्रेजुडिस है उस कारण से हुआ। और हमारे यहाँ भी देखिए, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक ने या लोकायत, चार्वाक तो भी एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो उन्होंने कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, और उनका लिखा हुआ तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। उनके जो विपक्षी थे, खंडन करने वाले थे, उन्होंने अपनी तरफ से उन बातों को जो चार्वाक फिलोसोफर कहते थे उनको विकृत किया, बिगाड़ा, और ऐसा प्रदर्शन किया कि अनैतिकता, भोग विलास, उपभोगवाद, धन लिप्सा, यही मटेरियलिज्म है, यही भौतिकवाद है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो भौतिकवाद क्या है, पहले मैं इस पे फिर आपके प्रश्न पर भी आऊंगा। भौतिकवाद वास्तव में क्या है, देखिए भौतिकवाद भी अद्वैतवाद ही है, इसमें भूत को या मैटर को एक ही एक तत्व माना गया है जिससे कि ब्रह्मांड बना। तो इसमें पदार्थ को एक ही तत्व माना गया,
जो एनर्जी रखता है, पदार्थ में एनर्जी है, शक्ति है, और पदार्थ वो है जो हमारे इंद्रियों में सेंसेशन पैदा करता है और हमें इंद्रियों से उसका ज्ञान होता है, वो पदार्थ। तो बहुत प्राचीन समय से भौतिकवाद, जैसे यूनान में खास तौर से थेलीज फिलोसोफर हुआ बहुत पहले 800-900 BC में, जिसने कहा कि वाटर पानी ही एक तत्व है एकमात्र। एनैक्सिमेंडर हुआ जिसने कहा कि निर्गुण तत्व शाश्वत है वो, लेकिन निर्गुण है, उससे ये ब्रह्मांड हुआ। एम्पिडोक्लिस ने 4 तत्व बताए जिनके आकर्षण और विकर्षण से ये ब्रह्मांड बना और डेवलप हो रहा है। डेमोक्राइटस ने परमाणु सिद्धांत दिया पुराने यूनानी जमाने में 450-450 BC में, कि एटम ही इस ब्रह्मांड का कारण है। एनैक्सिमिनीज हुआ, उसने वायु को मूल तत्व माना। हायराक्लिटस हुआ जिसने कहा कि ये तो एक बहाव है, जो ब्रह्मांड है ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक प्रक्रिया। आगे जाके बुद्ध ने भी यही कहा। और पार्मेनाइडिस कहता है कि परिवर्तन तो संभव ही नहीं है पदार्थ में, ये तो पर्याय में परिवर्तन होता है, उसकी अपीयरेंस में परिवर्तन होता है। खैर, और पदार्थ वो है जो हमारी चेतना के बिना भी अस्तित्व में है, अतः ये हमारी चेतना का प्रक्षेपण नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व में है और हमारी चेतना इससे बनी है, न कि चेतना से पदार्थ बना है। चेतना में तो पदार्थ प्रतिबिंबित होता है। पदार्थ को न तो कोई बना सकता है, आज भी कोई पदार्थ नहीं बना सकता, एक परमाणु भी आप नया नहीं बना सकते जो ब्रह्मांड में है, और न ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ स्वयं गतिशील है, स्वयं संचालित है, और इसी से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। भौतिकवाद ये मानता है कि ये जो ब्रह्मांड में जीव सृष्टि है या किसी भी तरह की सृष्टि है, ये एक घटना है जो हो गई और हो रही है, इसके पीछे प्रयोजन नहीं और प्रकृति के बाहर कुछ नहीं। चेतना तो केवल पर्याय को प्रतिबिंबित करती है, जैसे दर्पण है। अब दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, दर्पण को कहीं भी रख दो, अगर आप उसको किसी बॉक्स में भी रख दोगे कपड़ों के बीच में दबा करके भी, तो वो उस कपड़े को प्रतिबिंबित कर रहा है जहां वो रखा हुआ। दर्पण को प्रतिबिंबित करना ही है, तो वैसे ही हमारी चेतना भी है जो ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंबित करती है, और ये ऑब्जेक्ट है मैटर। और इसी से विभिन्न तत्वों के संयोजन से, एक हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे जूलॉजी, और वो लंदन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए थे। वो हमें उन्होंने हमें एक शेर बहुत दिनों तक इनकी व्याख्या करते रहे कोशिकाओं की, फिर अंत में उन्होंने बताया कि भाई ये शेर ध्यान में रखो कि जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीब का होना, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा परेशान हो। तो ये जो लाइफ है ये तत्वों का संयोजन है, ये मटेरियलिज्म इस बात को कहता है। और मटेरियलिज्म कहीं भी अनैतिकता भोग विलास वगैरह की बात नहीं करता। तो ये मैंने मटेरियलिज्म के बारे में संक्षेप में आपको बताया हमारे दर्शकों, ताकि उनकी गलतफहमियां मटेरियलिज्म के बारे में दूर हो, और जो आध्यात्मिकता का नारा लगाते हैं और जो आध्यात्मिकता को समझते भी नहीं है, उनके लिए ये है कि वो कि मटेरियलिज्म क्या है। अब मैं इसको
भारतीय संदर्भ में बात करना चाहता हूँ मटेरियलिज्म के बारे में, इतिहास के बारे में। तो ये तो बात हुई, वो जो हिंसा वाली बात है आधुनिक, उस पर हम आपके प्रश्न पर बाद में आऊंगा, जरूर आऊंगा जरूर। और अभी तो मैं मटेरियल में कुछ बोलना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ भारत में देखिए भारतीय दर्शन, हमारे जैसा कि अभी प्रोफेसर मनु शर्मा जी ने कहा कि हमारे चिंतन में बहुत प्राचीन समय से ही वैभिन्नता बहुत रही है और किसी भी स्वतंत्र समाज में रहनी भी चाहिए। तो हम भारत में चेतना को इमानेंट मानते हैं, इमानेंट, और यूनान और मिडिल ईस्ट के लोगों ने चेतना को ट्रांसेंडेंट माना। इमानेंट से मतलब यह है कि वो चेतना अंदर से उद्भूत हो रही है, तत्वों में से, मैटर में से व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है। और ट्रांसेंडेंट का मतलब ये है, जो पश्चिम के लोग मानते हैं, ट्रांसेंडेंट का मतलब ये है कि वो जो चेतना है वो बाकी के ब्रह्मांड से अलग अस्तित्व रखती है और वो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, अर्थात अर्थात उनका जो ईश्वर है वो ब्रह्मांड से स्वतंत्र है, अलग है। तो भारत का जो जो चैतन्य है, ईश्वर तो नहीं, जो ब्रह्म है या चैतन्य है, वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ मैटर और एनर्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, वहां पर किया है कि मैटर तो ये ब्रह्मांड है और एनर्जी जो है वो इससे अलग है, ट्रांसेंडेंट है। हमारे यहाँ ईश्वर को धर्म का अनिवार्य अंग बिल्कुल नहीं है, जबकि क्रिश्चियनिटी, जूदाइज्म, इस्लाम, उनमें तो ईश्वर के इर्द गिर्द ही धर्म है, केंद्र में ईश्वर है। भारत में ऐसा नहीं, पुराने भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ तो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, शंकराचार्य हो, ईश्वर के प्रति उन्होंने उदासीनता बरती है। तो आप देखिए ईश्वर का जो आइडिया है वो यू डेवलप होता है कि बहुत प्रिमिटिव जमाने में, जब हम पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, हमारे कबीले रहते थे कबीलों के बीच में। तो उस समय जब ये भयंकर प्राकृतिक घटनाएं होती थी, बड़ी भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, भोजन नहीं मिल रहा है कई दिनों से, शिकार नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे हैं, कोई रोग शोक से पीड़ित है, दर्द से चिल्ला रहा है, ये कोई घायल हो गया, कोई मर गया, तो ये सब मनुष्य ने देखा। और मनुष्य ने करीब, मैं कह रहा हूँ, लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य ने सोचना यूं चालू किया कि एनिमलिज्म एक तरह से उसके दिमाग में आया कि हर वस्तु प्राणवान है। देखिए आज भी हम पूजा करते हैं ना, देरी की भी पूजा कर रहे हैं सब, है ना, कोई तोरण की भी पूजा कर रहे हैं, कोई पहाड़ की भी पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की भी पूजा कर रहे हैं, सर्पों की भी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो चला आ रहा है वो प्रिमिटिव माइंड अभी हमारे अंदर से गया नहीं है, वो अभी है। तो हम एनिमिज्म की थियोरी क्या है कि इसमें सभी चीजें आपको ये लगती है कि भाई तूफान आ रहा है, झरना बह रहा है, नदी बह रही है, पहाड़ है, सब कुछ है, तो इनमें सब में जीव है, ये प्राणी है, इनमें शक्ति है, और इनके प्रकोप से बचने का तरीका यही है कि इनको प्रसन्न रखा जाए। और प्रसन्न कैसे रखा जाए,
जैसे दुनिया में हम एक दूसरे को प्रसन्न रखते हैं, भेंट पूजा देके, भोजन देके, निमंत्रित करके, स्वागत सत्कार करके, वैसे ही पुराने आदमी ने, प्रिमिटिव आदमी ने भी, चाहे वो पत्थर का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, एक ईश्वर की कल्पना की और उसको सेक्रिफाइस, जानवरों का मांस चढ़ाया और शराब जो भी वो बना पाते थे जैसी पत्तों से, और सिंदूर वगैरह, उस समय सिंदूर का तो हो गया था प्रयोग, क्योंकि 1 लाख साल पुरानी कब्रों में भी सिंदूर छिड़की गई है, ऐसा ये समाज विज्ञानी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 लाख वर्ष पहले तो कम से कम मनुष्य जाति में कोई इस तरह का विचार आ गया था कि कोई दिव्य शक्तियां हैं, अन्यथा वो क्यों होता। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हुई, और हमारे यहाँ भारत में तो आर्यों के आगमन के पहले मोक्ष, तपस्या, साधना, योग, वैराग्य, इंद्रिय दमन इत्यादि पर बड़ा जोर था। और आर्यों के आगमन के पश्चात, आर्य क्योंकि प्रचंड भौतिकवादी थे, जिजीविषा उनमें थी, जीने की ललक थी, तो उन्होंने जैसे ऋग्वेद में और दूसरे वेदों में जीवन को, लाइफ को सेलिब्रेट किया है, वैराग्य की बात नहीं करी। वहां कोई वैराग्य की बात नहीं है वेदों में, वहां तो यह है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना, शत्रु का नाश करना, शत्रु के पुत्र को कैसे मारें, जादू टोना, और अपनी वृद्धि कैसे करें, इस पर बड़ा जोर है। बाकी और इस तरह की जो अब हमारा जो वर्तमान में जो हिंदुइज्म है, इसमें प्री आर्यन जो परंपराएं या वैचारिकता थी वो ज्यादा हावी हैं अब भी, और आर्यन तो शुद्ध उपभोग वाली बात। और फिर आगे जाके जब उपनिषदों का समय आया, तो उपनिषदों ने एक मध्यम मार्ग सा लिया, वेदों के यज्ञों को रिजेक्ट किया उन्होंने, पंडितों की, यज्ञकर्ताओं की खिल्ली उड़ाई, और उन्होंने जोर दिया ब्रह्म ज्ञान पर। और एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि उपनिषदों में जो भी गुरु हैं वो क्षत्रिय हैं और उनके जो शिष्य हैं वो ब्राह्मण हैं, और उपनिषदों के उस समय ही जो जैन और बौद्ध आंदोलन चले, जैनों के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, खुद गौतम बुद्ध बौद्ध में वो क्षत्रिय हैं। तो एक तरह से या तो ये समझ लीजिए कि कर्मकांडी ब्राह्मणों के खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन था, क्षत्रिय श्रेष्ठता उन्होंने साबित की, तो खैर वो एक अलग चीज है। तो और इधर ऋग्वेद में भी हम देखते हैं कि जो जो प्री आर्यन थे, यहाँ के नेटिव निवासी थे, मूल निवासी थे, उनको उन्होंने दस्यु बताया, दस्यु अयज्ञी जो यज्ञ नहीं करते हैं, अन्य व्रति दूसरा व्रत रखते हैं, शिष्ण देवा जो शिष्ण की पूजा करते हैं, अनासा जिनके नाक छोटे होते हैं, है ना, तो आर्यों के नाक तो थोड़े लंबे थे। तो हम देखेंगे कि भाई उपनिषदों में एक प्रकार की संधि हो गई, एक दोनों ही चीजें, प्रवृत्ति भी आ गई, प्रवृत्ति बहुत कम है उपनिषदों में और जैन बौद्धों में, और निवृत्ति मार्ग पर बड़ा जोर है। तो बाद में जो धीरे धीरे दर्शन डेवलप हुए, बहुत बाद में, उपनिषदों के भी 600-700-800 साल बाद, जो न्याय वैशेषिक और सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत वगैरह डेवलप हुए, उनमें उनमें हम देखेंगे कि ईश्वर को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया हुआ है सभी दर्शनों में। मैं अगर आप का आदेश हो तो एक एक दर्शन को संक्षेप में
लेकर के और ये स्पष्ट करूं, ईश्वर के प्रति उनके क्या ख्याल है आप बताइए। हाँ, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय दर्शन के अंदर जब ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो फिर ये ईश्वर हमारे जीवन के अंदर इतने इस रूप में किस तरह से अपनी जगह बना लेता है? क्या क्या ये क्या 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 इसे कोई विदेशी प्रभाव माना जाए? ये अब इसको समझा समझता हूं मैं कि ईश्वर के दो कारण हैं, भावात्मक और बौद्धिक। जो भावात्मक कारण है, जो प्रिमिटिव आदमी में भी थे, आदि मानव में भी थे, वो वैसे के वैसे आज भी हैं। और जो बौद्धिक कारण है, उनका दर्शन में, फिलॉसफी में विकास होता चला गया और वो बदलते गए। जैसे भावात्मक कारण तो ये है कि भाई जो भय है, अनिष्ट का भय है, मृत्यु का भय है, बीमारियों का भय है, कोई दुर्घटना का भय है, कोई हानि हो जाने का भय है, किसी परिवारजन के मर जाने का डर है, और कोई आकाश से बिजली गिरने का डर है, अस्पताल में कोई हमारा रिश्तेदार भर्ती है तो हम उसको मिलने जा रहे हैं जल्दी, वो भी सीरियस कंडीशन में है, मिलने के लिए निकले और बिल्ली काट गई रास्ता, या किसी ने छींक दिया। तो अच्छे से अच्छा जो ज्ञानी ध्यानी आदमी है वो भी थोड़ा विचलित हो जाता है। तो भावात्मक कारण वो ही है। तो धर्म क्या है कि कुछ तो पूर्वजों की पूजा, पितर पूजा भी धर्म में आ गई है, और कुछ मनुष्य ने जब सपना देखा, सपने तो सभी मनुष्य हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो इससे आत्मा के विचार का विकास हुआ स्वप्न से। तो मनुष्य ने सोचा कि भाई हमारा शरीर में ही सब कुछ नहीं है, शरीर से बाहर भी आत्माएं हैं, क्योंकि सपनों में प्राय पूर्वज जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनसे भी बातचीत हो जाती है, उनसे भी हम मिल लेते हैं। तो इसका मतलब ये आया प्रिमिटिव आदमी के दिमाग में कि वो अभी है, अभी मरा नहीं है, उसकी आत्मा है और मुझे वो दिखता है, सपने में दिखता है। तो दिखता कैसे अगर वो होता नहीं, तो वो मरा नहीं है। तो स्वप्न वगैरह इन सब चीजों से और प्रकृति की भयंकरता से और जीवन के दुखों से कुछ ये भाव पैदा हुआ कि भाई इनको संतुष्ट रखो। कुछ लोग तो पूर्वजों की भी पूजा करते हैं, अब भी करते हैं, और हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्मादित होकर के, चाहे वो तंबाकू से उन्मादित हो या कुछ नशे की चीज से, और वो मतलब दिव्य ज्ञान आपको देते हैं कि अरे तेरे ऊपर तो उस आत्मा का दोष आ गया, तेरे अंदर तो वो तेरे को दुखी कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये कोई, ये आधुनिक समय में भी है। आप किसी भी चौराहे पे सुबह उठ के जाइए तो आपको वहां कोई सिंदूर या कुछ खाने पीने का सामग्री रखी हुई मिल जाएगी। तो वो सब क्या है? तो ये इस प्रकार से वो भावात्मक जरूरत है भय से बचने की, अनिष्ट से बचने की, तो वो आज के मानव में भी उतनी ही है। और वैचारिक जहां तक बात है वो तो अपन विस्तार से दर्शनों में देखेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर जो है, एक एक शायर ने कहा है कि हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें, खुदा तो बहुत आ गए, तरह तरह के आ गए, हर जमाने में बदलते रहे, तो अब किस खुदा की बात करें। तो वो बौद्धिक रूप से तो ईश्वर बदलता रहा, दर्शन शास्त्र के विकास के साथ साथ ईश्वर का रूप भी बदलता रहा, लेकिन आम लोगों में और जो भावात्मक जरूरत है ईश्वर की, देखिए फ्रायड तो कहता है कि जैसे छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, क्यों चूसता है कि माँ तो उसकी वहां है नहीं उस समय, तो उसको चूसने की इच्छा हो रही है, भूख है,
वो उस एक हेलुसिनेट करता है, एक मन में हेलुसिनेशन पैदा होता है, जिसको हेलुसिनेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, एक एक क्षणिक भ्रम पैदा होता है और वो अंगूठे को मुंह में ले लेता है और सोचता है कि बस हाँ यही मैं स्तनपान कर रहा हूं। उसको तृप्ति भी हो जाती है, भूख भी मिट जाती है। तो ये जो ईश्वर है या रिलीजन है, ये जो कुछ है, ये अंगूठा भी है चूसने के लिए। इससे इसीलिए मार्क्स ने इसको अफीम बताया कि भाई ये आपको शांति देती है, दुखों से दूर करती है। तो ये भावात्मक जरूरत है, तो ये तो हमेशा रहेगी और हमेशा ही हम जो है वो करते रहेंगे ईश्वर की आराधना। और जहां तक आवश्यकता की बात है, तो वो अभी मैं दर्शनों पर बात करूंगा, इसके पहले तो नया सवाल आए तो। गर्ग साहब, आपने आपने अपने एक आलेख के अंदर ये जिक्र किया है कि जो जीवात्मा है या जो आत्मा है, वो आत्मा दर्शनों के माध्यम से जीवन के अंतर्गत प्रविष्ट नहीं हुई, बल्कि जो लोक विश्वास है उनके माध्यम से वो दर्शनों का हिस्सा बनी। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को थोड़ा सा आप जो है ना वो खुलकर के हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये उल्टी गंगा कैसे बही। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, मैं चाह रहा था। अब वो जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि मानव मात्र में उसके मनोविज्ञान में एनिमिज्म नाम की चीज है। एनिमिज्म यानी यानी जीवंतता ब्रह्मांड की हर चीज में, चाहे वो तारा हो, चांद हो, सितारा हो, पानी का तालाब हो, नदी हो, झरना हो, चट्टान हो, पहाड़, कोई गुफा हो, कोई वृक्ष हो, कोई पशु हो, पशु में तो खैर है ही, तो इन सब में चैतन्यता और चैतन्यता महसूस करना। देखिए एक बार मैं एक रोचक बात बताऊं कि एक आदमी साइकिल पे जा रहा था। अब साइकिल की चैन जो है उतरती थी बार बार में, थोड़ा वो चढ़ता, दो तीन पैडल घुमाता और फिर उतर जाती, फिर वो ठीक करता उसको, फिर बैठता दोबारा, फिर दो चार 10-20 कदम ज्यादा फिर उतर जाती। ऐसा कई बार हो गया। तो प्रोफेसर साहब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने क्रुद्ध हो गया, वो बहुत भारी, और उसने उस साइकिल को मुक्कों से मारा और साइकिल को जमीन पे पटक दिया और दो चार कदम दूर चला भी गया, लेकिन साइकिल को तो ले ही जाना था, तो वापिस आके साइकिल को पैदल घसीट के ले गया। तो यहाँ पर ये क्या है कि मन में तो ये साइकिल को भी एक प्राणी माना ना उसने, कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार में चैन उतार रहा है, परेशान हो गया मैं तो। तो ये जो एनिमिज्म है, ये चाहे अमेरिका का गगनचुंबी में रहने वाले आदमी हो या अफ्रीका के जंगल में रहने वाला आदमी हो, सब में एनिमिज्म है मनोविज्ञान में हमारे। तो हम चैतन्य को महसूस किया, बच्चे भी करते हैं, सब जगह वो करते हैं। तो एक तो ये अनुभव, दूसरा ये कि भाई जैसे कोई घर में कोई परिवार का सदस्य मर गया, कई दिनों तक आप उस कमरे में जाते हो जिस कुर्सी पे वो बैठता था, आप अगर अंधेरे में चले गए तो आपको एक उपस्थिति सी महसूस होती है कि अरे यार, कई बार दिख महसूस हेलुसिनेशन हो जाता है, वे दिख भी जाता है, कई बार आवाजें सुनाई पड़ जाती है, कई बार सपने में दिख जाता है वो। तो इन सब अनुभवों से, और मनुष्य मृत्यु को तो रिजेक्ट करता ही है, डरता है, तो वो अमर भी, अमर होने की भी। और दूसरा यह है कि मनुष्य को ये तो लगा ही कि भाई एक प्राणी जो अभी उछल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था, घास खा रहा था, भोजन खा रहा था, अचानक कैसे ऐसे निष्क्रिय हो गया कि वह तो बिल्कुल पत्थर हो गया, किधर भी घसीट लो मरने के बाद।
तो उसको लगा कि कोई चीज थी जो शरीर में से निकल गई। तो ये इन विश्वासों से, इन सब इनके कलेक्टिव सब एकत्रीकरण करके इन विश्वासों को हम देखें तो आत्मा का ख्याल बहुत ही स्वाभाविक है और उसको हम दोष भी नहीं दे सकते। आत्मा तो मतलब आधुनिक मानव का भी अंधविश्वास इसको कहा जाता है कि ये मॉडर्न साइंटिफिक एज है, लेकिन फिर भी वो विश्वास तो है ही कि आत्मा, भले ही हम देखते हैं कि किसी प्राणी को अचानक आप गर्दन काट के दो टुकड़े कर दो तो कम से कम कुछ सेकंड के लिए तो दोनों टुकड़े फड़कते हैं, तड़पते हैं, हिलते हैं। छिपकली की पूंछ आप काट दो तो छिपकली भाग जाएगी, लेकिन पूंछ बहुत देर तक उछलती रहेगी। ये हमारा रोजाना का अनुभव है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आत्मा, तो आत्मा है और उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। अब हमारे शरीर में, वैसे विज्ञान कहता है कि अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं हमारी आंतों में जो भोजन को पचाते हैं, नहीं तो भोजन पच नहीं सकता, हजम नहीं हो सकता। तो वो अब उन सब, वो सब प्राणी हैं, जीवित हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं और शरीर में रहते हैं। तो अब आक्रमण हमारे ऊपर किसी बैक्टीरिया या जर्म्स का हो गया, हम बीमार हो गए, तो हमारी जो सुरक्षा सैनिक है बॉडी के, शरीर के अंदर WBC, वो मुकाबला करते हैं, आक्रमण करते हैं बाहरी आक्रमणकारियों पे। तो ये सब है। अब हमारी, अब कौन सी हमारी आत्मा है? अब आप देखिए, जैसे जर्सी गाय भारत में, बाहर से कुछ इंजेक्शन मंगाए जाते हैं बस, और यहाँ की गायों के थोड़ा थोड़ा, हर एक गाय के एक इंजेक्शन से 100 गायों के लगा दिया जाता है बस वो, और सबके सब जो बच्चे उनके होंगे वो मिक्स होंगे जर्सी से, जर्सी पे अगली पीढ़ी में और जर्सी का हो जाएगा तो वो ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे। तो अब जो प्राणी और मनुष्य, किसी भी प्राणी के जो जो सीमन है, वीर्य है, उसमें अरबों खरबों कीटाणु तैर रहे हैं, उनमें कंपटीशन है कि कौन अंडे का सेचन करे, और एक सफल होता है, कभी कभी दो भी हो जाते हैं तो ट्विंस पैदा हो जाते हैं। तो वहां भी जीवन संघर्ष है और वहां भी बहुत सारी आत्माएं, खरबों आत्माएं। अब सवाल ये है कि भाई कौन सी आत्मा को हम प्रमुख आत्मा माने? तो ये सब संसार चल रहा है, तो इसलिए ये आत्मा का तो यूं मानव की जो आम फहम, जो उसका एहसास है कि रूह, तो रूह नाम की चीज तो है, तो वो फिर फिलोसफी में भी आ गई कि भाई रूह के बिना तो कैसे सोचा ही नहीं जा सकता। हालांकि दर्शन शास्त्री हिम्मत करते, दर्शन बड़े वैज्ञानिक किस्म के माइंड है दर्शन। जानना चाहता हूँ दर्शन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी हमारे समाज के अंदर धर्म की जो स्थिति उसमें हमें एक और जो है वो प्रचंड धर्मांधता दिखाई पड़ती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने अपने धार्मिक व्यवहार से जाने जाते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो धर्मांधता और जो धार्मिकता है इसके अंदर किस तरह का आप फर्क करते हैं, इनको इन दोनों को आप किस रूप में जो है देखते हैं। तो अभी जहां तक कट्टरता और धर्मांधता की बात है, देखिए ये तो कुछ, ये तो कृत्रिम रूप से प्रचारित किया जाता है, क्योंकि न केवल हमारे देश में बल्कि सारी दुनिया में हजारों तरह की फिलोसफीज और धर्म चलते रहे और कहीं कोई धार्मिक विद्वेष पैदा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भी आप देखिए कि अब जैसे ऐसे ही कि शक आए, हूण कुषाण बैक्ट्रियन ग्रीक्स रोमन्स
पता नहीं कितनी जातियां, मतलब 2000 साल पहले भारत में आई, उनके अलग अलग देवी देवता थे। जैसे भाई यक्ष हैं या गंधर्व हैं, ये पहले तो नहीं थे, इन्हीं जातियों के साथ आए हैं। और भी हमारे पहले तो अगर देखा जाए तो रुद्र थे वेदों में, तो ऋग्वेद में तो रुद्र है शब्द, शिव भी नहीं है। पशुपति शब्द है, तो पशुपति इसलिए कि हम सब शिकारी थे किसी प्रिमिटिव जमाने में, तो शिकार ही, पशु ही हमारा धन था, तो पशुपति हमारा ईश्वर होगा ही होगा। तो ये चला रहा है, बाद में फिर ये सब स्वीकार होते चले गए। कोई कभी कोई आपस में मनमुटाव या ईर्ष्या द्वेष या लड़ाई झगड़े हुए नहीं। बाहर के देवी देवता आ गए, बाहर के रीति रिवाज संस्कृतियां आ गई, वो यहाँ हो गई, प्रचलित हो गई, सब सर्व स्वीकृत हो गई। तो ये चलता रहा, और ये बाद में सल्तनत और मुगल पीरियड में भी ये चलता रहा। और सरकारी स्तर पर तो किसी भी प्रकार का कोई द्वेष प्रमोट नहीं किया गया, सेनाएं भी मिक्स थी। जैसे बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, तो राणा सांगा का समर्थक था इब्राहिम लोधी। राणा सांगा के साथ लड़े ये आपके अलवर हरियाणा में, कौन है इस समय में नाम भूल गया, वो कौम जो मुसलमान है वो, तो ये। और हुमायूं वीर भानु उसका पीछा कर रहा है, शेरशाह का सेनापति, और जी वीर भानु और दूसरा राजा उसका नाम अभी अभी मेरे दिमाग से निकल गया, हिंदू राजा कहाँ कहाँ वो, हुमायूं, कहाँ के हैं? हुमायूं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहाँ हुमायूं, के थे वो राजा? यह वो वीर भानु तो इधर इधर के थे जो मालवा, मालव प्रदेश है। और एक जी दूसरे थे जो अभी मेरे दिमाग से निकल गए, तो वो इधर के थे पंजाब के, तो वो हुमायूं की रक्षा कर रहे थे। तो हुमायूं के कोई कोई धर्म के आधार पे सेनाएं नहीं थी। हम देखते हैं कि भाई अकबर के सेनापति मानसिंह थे, राणा प्रताप के सेनापति क्या नाम, सलामत खान या ऐसा कोई नाम है, वो थे, तोपची थे राणा प्रताप के। राणा प्रताप की सेना में आधे से ज्यादा पठान थे जो मुगलों से लड़ रहे थे। ये तो इतिहास को अब ये कैसे भी विकृत करें, अभी भाई अब ये तो पॉलिटिकल प्रश्न है, तो इसका तो बड़ा ये है तो है, अब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो धर्म और फिलॉसफी और विचार, ये तो कभी इस तरह के द्वेष और लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है इसमें, तो कहीं भी भारत में नहीं। अभी चीनी दर्शन पे मैं, अभी समय नहीं है, 20 तरह के दार्शनिक आंदोलन थे, परस्पर बहस होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, और उसमें जो जीत जाता था वो सफल हो जाता था। ऐसा ही यूनान में रहा, तो भारत में भी शास्त्रार्थ की एक बहुत पुरानी परंपरा, कोई हाँ, हिंसा तो हमारे हुई यहाँ भी नहीं ये कहीं। शास्त्रार्थ की परंपरा रही हाँ, तो ये रही है, जी। ये मैं मानव मात्र में रही। जी एक सवाल में हाँ जो है वो साहित्य और दर्शन से जुड़ा हुआ है, वो उस सवाल को मैं मेरी मेरी जानकारी के लिए आपसे करना चाहूंगा कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, लॉर्ड ह्यूम जिसका जिसके जो है वो प्रणेता माने जाते हैं, उन उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और बौद्ध धर्म की जो चेतना जो चेतना प्रवाह की बात है, उन दोनों के बीच में आप किसी तरह का कोई साम्य देखते हैं या नहीं देखते हैं? प्रोफेसर साहब, जबरदस्त साम्य है, बौद्ध जी बिल्कुल आपने जो
तो वो जो ऐसा प्रश्न पूछा है बहुत जरूरी था ये पूछना, और वो मैं श्रोताओं को यही बताना चाह रहा हूं कि बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्र है, यानी हर चीज निरंतर नष्ट होती जा रही है और निरंतर पुनर्जीवित होती जा रही है, और वो कंटिन्यूटी, वो तारतम्यता हमें महसूस होती है, हमारी आंखों को महसूस होती है। तारतम्यता है नहीं, चीजें खत्म हो रही है, चीजें बन रही, दीपक है वो लगातार बुझ रहा है, एक अंतर मुहूर्त के हर क्षण में बुझ रहा है और हर क्षण में प्रज्वलित हो रहा है, तो हमें तो दीपक की लो लगातार जलती हुई दिखाई देती है। तो बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में बौद्धों का जो अनात्मवाद है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि आत्मा, स्थाई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। परमात्मा को तो खैर वो बिल्कुल मानते ही नहीं बौद्ध, क्योंकि जब ब्रह्मांड शाश्वत है, और भारतीय दर्शन और भी सब मानते हैं कि भाई जब अर्थ एयर वाटर फायर और आकाश तत्व अलग है, तो ये जो पांचों तत्व हैं, तो फिर और इनके सम्मिश्रण से सृष्टि बन रही है और प्रलय भी हो रही है और फिर बन रही है, तो उसमें ईश्वर बीच में कहाँ गया? तो ये तो सांख्य भी पूछ रहा है, ये तो वैशेषिक भी पूछ रहा है ये बात, है ना, ये तो पूर्व मीमांसा भी पूछ रही है, और खुद जो वेदांत है वो भी ईश्वर को विवर्त बता रहा है, ईश्वर को रिजेक्ट किया है शंकराचार्य ने। तो बाद में शंकराचार्य के 500 वर्ष बाद मध्वाचार्य जो आए, वो मध्वाचार्य कहते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, वो शंकराचार्य हैं, यानी वर्ण शंकर हैं वो, उनकी बात को मानो, शंकराचार्य हैं, क्योंकि ईश्वर को शंकराचार्य विवर्त मानते हैं, उल्टा मानते हैं, मतलब आपको दिखता है, आपको लगता है नहीं, और न वो आत्मा को मानते, वो तो केवल ब्रह्म को मानते। तो खैर वो एक जो बौद्धों की बात है। तो अभी जो हमारे जो नए जो मनोविज्ञान है उसमें भी ये है कि निरंतर हमारे विचार प्रवाह जो है चलता रहता है, प्रवाह धारा बहती रहती है। जैसे अभी मान लो मैं स्कूटर पे बैठ के किसी सड़क पे भी जा रहा हूंगा, तो मेरे विचार भूत भविष्यत वर्तमान पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हुए चलेंगे। वर्तमान में तो मैं हुई नहीं, अकेला जा रहा हूं, पार्क में घूम रहा हूं, विचार चल रहे हैं, तो और मैं वहां से पार्क में एक तरह से अनुपस्थित सा हूं, घूम तो जरूर रहा हूं लेकिन अनुपस्थित हूं। तो ये जो रेवरी चल रही है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बह रहा है, जो कुछ स्ट्रीम बह रही है, ये विचार हमारे बह रहे हैं। तो उसी रूप में बौद्धों ने भी ये माना है कि मन के मन में निरंतर प्रवाह है, और ये ब्रह्मांड बी नहीं है, बीइंग है, बी का मतलब होना, ये ब्रह्मांड है नहीं, बीइंग है यानी हो रहा है, होता रहेगा, तत्व तो नहीं बदलेगा, मैटर तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो पर्याय है तत्वों का स्वरूप है। अरस्तु ने भी ये कहा कि मैटर और फॉर्म, तो मैटर तो फॉर्म के बिना आपके इंद्रियों से आप महसूस ही नहीं कर सकते, न तो स्पर्श कर सकते हो मैटर का, न सूंघ सकते हो, न सुन सकते हो, न देख सकते हो, मैटर कुछ नहीं, मैटर किसी फॉर्म में आपके सामने है, भाई ये कागज है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये हवा है, तो वो फॉर्म है मैटर की। तो फॉर्म तो आपको अपने इंद्रियों से ग्राह्य है, पर्याय जी मैटर जी नहीं है। बिल्कुल उसी जैनों ने भी जो है, हाँ जैसा हाँ जैन साहब कुछ, हाँ जी जैन साहब की भी कुछ जिज्ञासा है तो वो अपनी हाँ जैन जिज्ञासाएं साहब, आपके सामने रखना चाहते हैं जैन साहब। हाँ जैन साहब रख जरूर, नमस्कार। हाँ अब वैसे नमस्कार सर, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं और जिज्ञासाएं तो बहुत है और वो जिज्ञासाएं आप बहुत कुछ हद तक पूरी भी करते हैं पर समय अभाव है। पर एक बात
इस वार्ता से ये श्रोताओं को बिल्कुल निश्चित रूप से तय हो गया कि गर्ग साहब चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे साहित्य हो, बहुत गहरा अध्ययन है। और आपने जो है आर्यों की प्रवृत्ति मार्ग, उपनिषदों के समय की निवृत्ति काल को अच्छी तरह से समझाया, मैटर को समझाया, भौतिकवाद को, चैतन्य को, और जो भी धर्म अस्तित्व में आए, चाहे वो सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जैन, बौद्ध, ईसा और इस्लाम, मेरा ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है गर्ग साहब, कि कोई सा भी धर्म हो, शिक्षा वो नैतिकता की ही धर्म का आशय मैं यही लेता हूं कि जहां करुणा है, प्रेम है, सहिष्णुता है, वहां धर्म है। फिर क्या कारण है कि आज ही नहीं सदियों से धर्म को लेकर ही युद्ध हुए हैं। चाहे क्रूसेड का युद्ध ले लीजिए आप, 200 साल चला, शैव और वैष्णवों का चला, बौद्ध और हिंदुओं का चला, जैन और बौद्धों का चला, हिंदू और मुसलमानों का चला, मुसलमानों में भी जो है आपके शिया और सुन्नी का चला, क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का चला। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब ये कहते हैं कि ये सदी एक ज्ञान की सदी है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है, पहले प्रिमिटिव में तो ठीक है लड़े होंगे, पर अभी भी मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि धर्म को आधार मान के और लोग जो है लड़ना बंद कर दिया हो। अभी भी जो है अब देखिए इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा, निजी जीवन में गांधी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और हमेशा राम नाम का जप करते थे। वो राम वो नहीं है जो मंदिर में बैठा है, पर वो राम जो उनके हृदय में बैठा हुआ है। और उधर जिन्ना लीजिए, वो बिल्कुल धार्मिक नहीं, पर आप देखिए कि मौलाना आजाद जो है बिल्कुल धार्मिक थे, पांच वक्त के नमाजी व्यक्ति थे, बड़े नैतिक थे। पर कारण क्या है कि एक गैर धार्मिक व्यक्ति बड़े समूहों को इकट्ठा कर लेता है और एक नैतिक आचरण वाला व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में अपना फॉलोवर नहीं बना पाता, बल्कि वो तो हमेशा अपमान की स्थिति में रहा स्वतंत्रता आंदोलन में। मुसलमानों से इसलिए रहा कि वो जिन्ना की खिलाफत करता था, हिंदुओं के इसलिए विरोधी रहा कि भाई वो मुसलमान है। तो ये मेरे बड़ी एक विडंबना मुझे समझ में नहीं आती कि लोग धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक का मतलब मेरा अभिप्राय ये नहीं कि मंदिर में या घंटी बजाना या आरती करना, धार्मिक का मतलब जो करुणा, प्रेम, सौहार्द वो बातें करता है, वो तो लोगों को जोड़ नहीं पाता। और अभी जैसे अभी आजकल चल रहा है बागेश्वर बाबा जो है, पता नहीं वो क्या क्या बता देता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो क्या आपने कहा कि डर ने ही ईश्वर को पैदा किया इंसान, मृत्यु का डर, हानि का डर या बीमारी का डर, अनिष्ट का डर, डर हानि का डर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कारण क्या है कि आदमी धर्म को लेकर अभी भी उतना मेच्योर नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जो धर्म जो सही शिक्षा देता है उस पर नहीं चल के और अभी भी हिंसा के रास्ते पे चलता है, ये मुझे बहुत कष्ट है। आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? आपका बहुत समीचीन प्रश्न है और आपने इसका उत्तर भी दे दिया है स्वयं ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम उस ट्राइबल एज में जाते हैं, क्योंकि अभी आदिमानव हमने कपड़े पहन लिए और पेड़ों पे नहीं रहते हैं, गुफाओं में नहीं रहते, मकानों में रहते हैं, और चांद पर भी हम चले गए, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन
फिर भी हम आदि मानव से तो मुक्त नहीं हो सकते, आदि मानव हम अब भी हैं। तो उस समाज में हम जाएं, जब जंगलों में बहुत जंगली जंगल थे, खैर गांव तो थे ही नहीं, तो उन जंगलों में दो दो चार चार पांच पांच 10 किलोमीटर की दूरियों पर कोई झुंड रहते थे, 100-200 आदमियों के, स्त्री पुरुष बच्चे वगैरह। 200 आदमी वहां रहते हैं, 200 आदमी 3 किलोमीटर दूर कहीं दूसरी पहाड़ी पर रहते हैं, 150 आदमी और कहीं 2-3-4 किलोमीटर दूर कहीं रहते हैं। वो सब अन्य पशुओं की तरह मनुष्य भी टेरिटोरियल एनिमल है, यानी अपना क्षेत्र बना के रहता है कि भाई उस क्षेत्र में दूसरे को घुसने नहीं देंगे। और हमारी जो नैतिकता का विकास हुआ वो भी उसी उसी जमाने में हो रहा था कि आपका जो झुंड है वही आपका गोत्र है, वही आपका कबीला है, वो सारे भाई बहन हैं, वो सब ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। और जो दूसरा झुंड है 4-10 किलोमीटर दूर रहता है 200 आदमियों का, वो दूसरा झुंड है, वो हमारा दुश्मन है और उससे सावधानी बरतो, वो हमारे इलाके में आता है, हमारा शिकार वो मार ले जाता है, हमारे जानवर वो खा जाता है। तो क्या था कि नैतिकता का विकास इस तरह हुआ कि वो जैसे एक दूसरे की सहायता करना या दया का भाव या जो भी है नियमबद्धता अनुशासन, वो आपके झुंड में तो ठीक है, आपके कबीले तक तो ठीक है। हत्या करना अपराध है, इंसेस्ट करना टैबू है ना, अगम्य गमन करना वो पाप है या उसकी सजा है, मार ही दिया जाता था। लेकिन दूसरे झुंड के साथ अगर आप ये करते हो तो वो वीरता है, वो देशभक्ति आज के शब्द में कह दो, लेकिन वो मतलब हमारे झुंड की हेल्प कर रहा है, वो हमारे कबीले की रक्षा के लिए है। दूसरे झुंड वाले को धोखा देना, उसको उसको उसकी मार डालना, वहां से कुछ चीजें चोरी करके ले आना, वहां की स्त्रियों को लूट लाना, ये सब वीरता मानी गई है। और आप देखेंगे पुराने साहित्य में तो भाई भीष्म जो है 3 महिलाओं को लूट लाए और अपने शादी करा दी उन राजकुमारों से, तो लूट के लाना वगैरह ये सब चीजें हैं। ये दूसरे झुंड के साथ आप करोगे, हत्याएं भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो देशभक्ति, वो आपके लिए वो माना जाएगा, गुण माना जाएगा। और अगर आपने अपने झुंड में कुछ किया तो आपको बहुत सख्त सजा मिलेगी, ये तो उस जमाने में है ना। तो आज क्या है कि हम आदिवासी भले ही न रहे हों, सभ्य मानव कहलाते हों, लेकिन वो मानसिकता तो वो हमारी है। धर्म तो एक प्रकार का एक तरह से झुंड को इकट्ठा बनाए रखने का वो तरीका है। धर्म पर तो कोई नहीं लड़ता, लेकिन आइडेंटिटी पे लड़ते हैं, और आइडेंटिटी आपके झुंड से जुड़ी हुई है, कबीले से जुड़ी हुई है, जो आदिम युग में थी और आज भी है। तो धर्म एक माध्यम बन जाता है, कभी भाषा बन जाती है माध्यम, कभी और कोई चीज बन जी, जाती है, क्षेत्रीयता बन जाती है, कभी नदियों का पानी विवाद बन कभी जाता है, कभी कुछ कभी भी क्षेत्र बन बन सकता जाता है। तो ये इस तरह जैसा। आपसे की बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि ये बातचीत जो है ना वो चलती रहे। चलती रहे, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये बातचीत अगली कड़ी के कड़ी अंदर के अंदर जो है फिर हम आपसे करें, और जो आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आपने समय दिया और हम लोगों को अपने विचारों से लाभान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका। हाँ।